यहाँ छापा, वहाँ छापा, इधर छापा, उधर छापा, ईडी का हर तरफ बस छापा ही छापा। कहीं करोड़ों रुपए तो कहीं नोटों के बंडल, पैसा पैसा और पैसा। मगर सवाल ये कि कभी आपने ये सोचा कि जब्त किया गया पैसा जाता कहाँ है? कैसे होती है ईडी की कार्रवाई? कितने दिन में ईडी को साबित करनी होती है कार्रवाई में जब्त सबूतों की सच्चाई? चलिए हर एक सवाल और सवाल का जवाब देंगे आपको, क्योंकि ईडी और ईडी की कार्रवाई के तरीके को अगर आप समझ गए तो आप भी कहेंगे कि ईडी देश के लिए इतनी जरूरी है। ये तो आप जानते ही हैं कि ईडी वो जांच एजेंसी है जो भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग के अधीन काम करती है। मगर सवाल ये कि जिस नोटों के बंडल और करोड़ों के जेवर ईडी जब्त करती है, आखिर इतने पैसों का होता क्या है? मगर पहले ये जान लीजिए कि ईडी के पास क्या क्या अधिकार होते हैं, फिर आपको समझने में आसानी होगी कि आखिरकार ईडी कार्रवाई करता कैसे है और इन पैसों का क्या होता है। दरअसल ईडी सीबीआई इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को मनी लॉन्ड्रिंग, इनकम टैक्स फ्रॉड या फिर आपराधिक गतिविधियों में जांच, पूछताछ, छापेमारी करने और चल अचल संपत्तियों को जब्त करने का पूरा अधिकार होता है। ये एजेंसियां जब्त पैसों को अपनी कस्टडी में लेती है और फिर अदालत के आदेश पर या तो उन पैसों को आरोपी को वापस कर देती है या फिर वो सरकार की संपत्ति बन जाता है। जांच एजेंसी जो छापा मारती है वो अलग अलग सूचनाओं के आधार पर होते हैं, इसलिए जरूरी नहीं है कि एक आरोपी के यहाँ पर एक बार ही छापा लगे, बल्कि छापेमारी कई चरणों में हो सकती है। यकीनन जब छापा डलता है तो कुछ ना कुछ बरामद होगा ही। आखिरकार क्या क्या चीज बरामद होती है, अब वो भी समझिए। जैसे पेपर डॉक्यूमेंट, कैश और दूसरा कीमती सामान, सोना चांदी और कुछ भी। ऐसे में जब छापेमारी होती है और जो सामान जब्त होता है उसका होता है पंचनामा। पंचनामा जांच एजेंसी का आईओ यानी कि जो जांच अधिकारी होगा वही बनाएगा, और फिर इसके बाद पंचनामे पर दो स्वतंत्र गवाहों के हस्ताक्षर यानी कि साइन होंगे। साथ ही इस पर जिस व्यक्ति का सामान जब्त होता है उसके भी हस्ताक्षर दिए जाते हैं। पंचनामा बनाने के बाद जब्त सामान केस प्रॉपर्टी बन जाता है। अब सबसे अहम और दिलचस्प सवाल ये कि जब्त की गई संपत्ति का ईडी क्या करती है, अब आइए वो भी जान लेते हैं। सबसे पहले जब्त किए गए पैसे या कैश का पंचनामा बनाया जाता है। पंचनामे में इस बात का जिक्र होता है कि कुल कितने पैसे बरामद हुए, कितनी गाड़ियां हैं, कितने 200, 500 के नोट हैं। जब्त किए गए कैश में अगर नोट पर किसी तरह के निशान हो या कुछ लिखा हो या लिफाफे में हो तो उसे जांच एजेंसी अपने पास जमा कर लेती है, जिससे इसे कोर्ट में सबूत के तौर पर पेश किया जा सके। बाकी पैसों को बैंकों में जमा कर दिया जाता है। जांच एजेंसियां जब्त किए गए पैसों को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया या स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में केंद्र सरकार के खाते में जमा कर देती है। कई बार कुछ पैसों को रखने की जरूरत होती है तो उसे जांच एजेंसी इंटरनल ऑर्डर से केस की सुनवाई पूरी होने तक अपने पास जमा रखती है। चलिए अब एक और दिलचस्प जानकारी आपको दे देते हैं, और वो ये कि पीएमएलए के तहत ईडी अधिकतम 180 दिन यानी कि 6 महीने के लिए किसी की संपत्ति को अटैच कर सकती है। तब तक ईडी संपत्ति अटैच करने को अदालत में वैध नहीं ठहरा पाती तो ऐसी स्थिति में 180 दिन के बाद संपत्ति खुद ही रिलीज हो जाएगी, यानी वो अटैच नहीं रह जाएगी। अगर ईडी 180 दिन के अंदर प्रॉपर्टी अटैच करने को अदालत में सही साबित कर देती है तो ये संपत्ति सरकार के कब्जे में आ जाती है। इसके बाद आरोपी को ईडी की इस कार्रवाई के खिलाफ ऊपर की अदालत में अपील करने के लिए 45 दिन का वक्त मिलता है। यानी ऐसा नहीं है कि ईडी सिर्फ अत्याचार ही करती है, बल्कि ये भ्रष्टाचार और काले धन पर वार करती है। इसलिए राजनीतिक भाषा के भाव में मत जाइए और किसी भी स्वतंत्र जांच एजेंसी पर यूं ही सवाल मत उठाइए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।